इसमें मुर्गी बिरयानी देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, ले लिया मैंने सगा प्याज। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा, तो सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि धीरे धीरे क्या उड़ाना पड़ता है यहाँ पे गाड़ी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वो लोग कैंपिंग कर रहे हैं, मैं बुला के पहुँचा दिया वो सामान। चलो अब चलता हूँ मैं। देखो पहाड़ी में एक जगह अपना कैंपिंग कर रहे हैं वो लोग। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो ये मैडम को मैं लेके आया हॉस्पिटल में, तो मैडम बोली कि 12 बजे मेरा क्लास हो जाएगा, अभी 11 बज रहा है और बोली 12 बजे मेरा क्लास हो जाएगा। फिर यहाँ से जाएगी वो बैंक वाली मैडम के बच्चों को लेने मदरसा से। तो अब मैं सोचा कि क्या मैं रूम पे जाऊँ, रूम पे जाके कर भी क्या लूँगा, खाना गर्म करके खाऊंगा तो लेट हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे वहाँ पे खड़ा होना है ये हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ से ये बैठेगी, फिर जाएगी उनके दोनों बच्चों के मदरसे में, मदरसे से लेगी, फिर वो पहुँचाएगी नगरा में, फिर वहाँ से पता नहीं ये किधर जाएगी। उसके बाद मैं अपने रूम पे जाऊँगा। अभी तो मैं खाना वगैरह खाया नहीं हूँ, अब जब इन लोगों का पूरा काम निपटा दूंगा तभी मैं रूम पे जाकर खाना खाऊंगा। अभी मैं इधर ही खड़ा हो गया। देखो ये, देखो ये हॉस्पिटल के पास में ये जो है पेड़, पेड़ के नीचे मैं गाड़ी खड़ा करके इधर खड़ा हो गया हूँ। एक घंटे यहीं पे अपना टाइम पास कर लेता हूँ, मोबाइल वगैरह देख के वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ और बाकी का अपना जो काम है वो कर लेता हूँ। तो दोस्तों 11:55 हो रहा है, मैं जा रहा हूँ वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। अब देखो मैडम कब बाहर आती है। मैं तो अपना जो 12 बजे बोली थी 12 बजे वाला वादा पूरा कर दिया, बाकी उसकी मर्जी वो कब आती है। तो देख रहे हो 12 बजे बुलाई थी, 12:10 हो गया, इधर मैं आके 15 मिनट से इधर धूप में खड़ा हूँ। 15 मिनट से क्या, इधर एक घंटे से खड़ा हूँ मैं कि इनको कोई तकलीफ ना हो, 10 मिनट लेट ना हो जाऊँ मैं, 15 मिनट लेट ना हो जाऊँ मैं। जैसे ही ये लोग निकले वैसे ही मैं जाके वो मदरसे से बच्चों को ला लूँ। अगर ये है कि देखो अभी तक बाहर निकली नहीं, मैं अभी भी इधर ही हूँ हॉस्पिटल के बाहर। तो दोस्तों 1:30 बज रहा है और वो मैडम बाहर निकली थी 12:26 पे। फिर मैं गया बच्चों को लिया, फिर बच्चों को उनके घर पे पहुँचाया। तब तक वो कफील के छोटे वाले लड़के का फोन आ गया कि मेरे घर पे आओ, कुछ सामान है, वो सामान लेके जाना। तो मैं साथ में ही मैडम के साथ में ही चला गया उधर और वो सामान भी लिया, फिर लेकर आया मैं इधर और वो सामान दे दिया। बाकी ये मुझे खाना मिला है और ये खजूर मिला है, आप लोग देख सकते हो खाना गर्मा गर्म है। तो अभी मैं खाना तो खाया नहीं हूँ, तो अभी जाके यही खाना खाऊंगा, क्योंकि फिर अभी अपना खाना खाऊंगा तो गर्म करना पड़ेगा, फिर रोटी लो, फिर गर्म करके खाना खाने बैठो। तो अभी 1:30 बज गया और ये गर्मा गर्म खाना मिल गया, तो चलो अच्छा हो गया अपना, ये जाकर सीधे अब खाने पे बैठ जाएंगे और बाकी जाके अपने बकाले में से एक कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा, कोल्ड ड्रिंक के साथ ये खाना अच्छा लगता है। पौने दो हो गया, 1:45 अभी मैं पहुंचा इधर अपने रूम पे। आज तो नाश्ता वगैरह भी नहीं किया मैं, सीधे सो के मुँह वगैरह धो के उधर चला गया था मैं और उधर ही पानी पी पी के मैं गुजारा किया। अब सीधे मैं खाना खाऊंगा, तो ले लेता हूँ मैं एक ये ड्यू 2.5 रियल वाला। तो ये माउंटेन ड्यू ले लिया 2.5 रियल, कटवा देते हैं चल के। ये भाई सब खाना खा रहे हैं, चलो जा ही रहे हैं, हम भी खाना खाने ही जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करो। तो 2.5 रियल पैसे मैंने कटवा दिए, अभी गाड़ी में से खाना निकालते हैं और चलते हैं। गर्मा गर्म खाना है और सीधे खाने पे बैठ जाएंगे हाथ धोकर। तो चलो बर्तन धोते हैं और देखो पहले का भी खजूर ख़त्म हुआ ही नहीं था, तब तक और मिल गया, सेमी खजूर है। बाकी चलो जल्दी से बर्तन धो के अपना खाना खाने बैठते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या मिला है। इसमें तो सब्जी दिख रहा है, बाकी इसमें क्या है, इसमें मुर्गी बिरयानी, मुर्गी भी है और मटन भी,
देखो एक लेग पीस मुर्गी और ये सब मटन। देख सकते हो। चलो अब इसको निकालता हूँ मैं, गर्मा ही गर्म है। तो देख रहे हो मैं सिर्फ ये मटन और चिकन ही खाऊं तो पेट भर जाएगा। देख रहे हो यही पूरा अपना आधा किलो लग रहा है, बाकी ये चावल है। तो अभी मैं पूरा इसी टाइम खा जाऊंगा, एक टाइम ही, दो टाइम खाने लायक ये चावल नहीं है। बाकी गर्मा गर्म है, मज़ा आएगा। और ये मैंने मिर्ची निकाल लिया और ये तो तड़ी है, देखेंगे तड़ी में क्या है, कुछ है अंदर, सब्जी है, फिर भी थोड़ा ट्राई करेंगे कैसा लगेगा। तो दोस्तों मैंने खाना निकाल लिया, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करो आके। अगर बचा तो फिर रात को अपने सालन के साथ खा लेंगे चावल, बाकी ये रहा अपना डीव। तो चलो खाना खाने के बाद मैं मिलता हूँ। तो अभी शाम के 4 बज रहा है, अभी अभी कफिल के वाइफ ने फ़ोन किया कि घर पे आओ वो मदरसा छोड़ने के लिए। तो जा रहा हूँ मैं कफिल के घर पे, और इतना गहरी नींद में मैं सोया था, गहरी नींद में सोए रहो ना तो मन नहीं करता है कि सो कर उठो, मगर क्या करें फिर भी मजबूरी में अपना उठना पड़ता है। तो मैडम को ला के मदरसे में छोड़ दिया मैं, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। और देखो इतना ही छोटा सा काम था बस, मदरसा में छोड़ना। और इतना गहरी नींद में मैं सोया था कि रूम पार्टनर का वैसी बंद करके भाग के चला गया, पता ही नहीं। यही है कि 10:30 बजे से मैं बाहर ही बाहर था, पूरा वो धूप में ड्यूटी कर रहा था, उसी से इतना थक गया था मैं कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गया था मुझे। चलो अभी जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैडम फ़ोन करके बुलाई है तो मैं इधर आया हूँ मदरसे में। मदरसे से लेके देखो अब कहाँ जाती है, सीधे घर जाती है या फिर हमेशा की तरह इधर उधर जाएगी। तो मैडम आज कहीं पे भी नहीं गई, मैं घर पे ला के छोड़ दिया कफिल के। बाकी अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, और देखते हैं रात तक और कोई ड्यूटी आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मिलते हैं थोड़े देर में। तो फ्रिज में पूरा बर्फ़ जम गया था उसके फ्रीजर में, तो हमने पूरा धो धा दिया, देखो वो बर्फ़ निकाल दिया है। वो पूरा नया हो गया। तो दोस्तों अभी रात के 7:40 हो रहा है, और अभी अभी कफिल का वाइफ का फ़ोन आया कि इशारा ताला 3 में जाओ और 5 रियाल का सगा प्याज लेकर आओ। इशारा ताला 3 यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, और अभी ईसा के अजान होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट है मेरे पास वहाँ पे पहुँचने के लिए। अगर लेट हो गया तो फिर आधा घंटा उधर ही बैठना पड़ेगा वो दुकान के सामने, और ईसा बाद खाना लेकर वो कफिल के छोटे वाले लड़के को पहुँचाना है उधर वग्दा में। तो ये है देखो 5 रियाल का सग्गा प्याज, इधर नहीं मिल सकता, इधर खुदरे नहीं है, ये तो हर जगह खेती में ही निकलता है ना, ये तो नहीं कि फैक्ट्री में बनता है तो वो लोग अच्छा बनाते हैं, अच्छा वो घी मक्खन मलाई डाल देते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे, अजान होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, मैं इधर पहुँच गया ये खुदरे में देखो। चलो जल्दी से जाके 5 रियाल पे अपना वो सग्गा प्याज ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों अजान हो गया। तो देखो दोस्तों ले लिया मैंने सगा प्याज, और देखो अजान हो गया, सिर्फ 1 मिनट पहले मैं पहुंचा हूं इधर। अब देखो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा, तो सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि धीरे धीरे क्या उड़ाना पड़ता है यहाँ पे गाड़ी। देखो तो आ गया मैं कफिल के घर के बाहर, चलो ये सगा प्याज दे देते हैं और खाना ले लेते हैं। तो लोकेशन आ गया है मेरे पास, तो मैंने वो सगा प्याज दे दिया, मैं खाना का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ से खाना लेके उगदा में पहुँचाना है, जो मैं पिछली बार गया था तो मेरा सिम बंद हो गया था, लोकेशन बंद हो गया था, तो इस बार मैं लोकेशन चालू करके पूरा उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
तो ये है वो सामान, खाना बनाने का है सामान, खाना खाने का नहीं, वहाँ पे बना रहे होंगे तो लगता है मुझे भी रोक लेंगे वो बालू रेता में, कैंपिंग कर रहे होंगे वो लोग। तो चलो भैया मैं लेके चलता हूँ अपना 5 रियल, ले लिया मैंने वो सगा प्याज का। तो 8:14 हो रहा है, मेरा गाड़ी निकल चुका है यहाँ से गांव में जाने के लिए, शहर से गांव में। और देखो मेरा ये सिम काम करता है या नहीं करता है, वो मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, वो स्क्रीनशॉट से भी कैसे मैं जाऊँगा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ से राइट लेना है कहाँ से लेफ्ट लेना है। यहाँ से ये पुल पार करते ही राइट लेते ही सीधे 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 पता नहीं कितने दूर जाना है, 10 किलोमीटर दूर, और वहाँ तक मेरा सिम काम करता है या नहीं देखते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे वो लोग कैंपिंग कर रहे हैं, मैं ला के पहुँचा दिया वो सामान, चलो अब चलता हूँ मैं। देखो पहाड़ी में एक जगह अपना कैंपिंग कर रहे हैं वो लोग। तो इमरजेंसी तो आज भी हो गया था, वो सिम का पूरा वो टावर चला गया था, मगर ये है कि मैंने लोकेशन पहले चालू किया था तो ला के यहाँ तक पहुँचा दिया। बाकी चलो वो लोग एक अंधेरे में इधर पहाड़ी में बैठ के अपना वो कैंपिंग कर रहे हैं, मेरा बस उतना ही काम था वो पहुंचा के जाना, मैं पहुंचा दिया, अभी मैं जा रहा हूँ। पिछली बार यहाँ पे खड़ा था मैं जब मेरा लोकेशन बंद हो गया था, तो वहीं दुकान के पास खड़ा था मैं। बाकी देखो ये सब गांव है, यहाँ पे भी गांव में ऐसे ही घरों में जो लाइट जलता है वैसे ही जैसे बिहार में यूपी में अपना। बाकी अभी ये लगा है खंभे पे, एक साइड में लाइट लगा है, बाकी उधर अंदर घुसोगे तो अंधेरा ही मिलेगा। सऊदी में चाहे गांव हो चाहे सिटी हो, यहाँ पर रहता है सुपरमार्केट ही। यहाँ पे मिनिमम मार्केट, सबसे छोटा मार्केट सुपरमार्केट ही मिलेगा, जैसे अपने में किराना का दुकान, गुमटी ये सब मिल जाता है, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे छोटा सुपरमार्केट, चाहे कितना भी छोटा खोलो मगर वो सुपरमार्केट ही रहना चाहिए, खुद से अपना सामान उठाओ और खुद से बिल कटवाओ, ऐसा सिस्टम। वो इंडिया जैसा नहीं किराना का दुकान की भैया थोड़ा 1 किलो आटा तोल देना और 1 कुरकुरे निकाल के दो, पेप्सी निकाल के दो, अंकल भागते रह रहे सुबह से शाम तक। यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं काउंटर पे, लोग भाग के जाते हैं अपना जो भी पसंद रहता है उठाकर फिर बिल कटवा देते हैं।